भोपाल में मानसरोवर डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने सेवेंथ ग्रेजुएशन और सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएशन दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के साथ संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधो और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर कॉलेज में उत्कृष्ट आए छात्रों को सम्मानित किया गया। भोपाल के कोलार रोड स्थित मानसरोवर डेंटल कॉलेज में सेवेंथ ग्रेजुएशन और सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएशन दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन मौजूद रहे। समारोह में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल लालजी टंडन, चिकित्सा शिक्षा संस्कृति और आयुष विभाग मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, उच्च शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी, विधायक काला पीपल कुणाल चौधरी, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर टी एन दुबे, मानसरोवर ग्रुप के सीईडी गौरव तिवारी और डेंटल कॉलेज के डीन डॉक्टर बी गुरुदत्त नायक ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम लालजी टंडन ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने जो उपाधि प्राप्त की है यह पहला पड़ाव है, यहाँ से मंजिल शुरू होती है। लालजी टंडन ने कहा कि आज के दौर में लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा आगे निकल रही हैं और लड़कों को उनसे सीखने की आवश्यकता है। लालजी टंडन ने सभी छात्रों और कॉलेज प्रबंधन को शुभकामनाएं दी। जिन्होंने पुरस्कार पाया है या उपाधि पाई है उन सभी छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद देता हूं कि अब उनके लिए आगे बढ़ने के मौके बहुत से हुए। ये एक स्टेशन होता है कि जहां आप अपने शिक्षा के सफर में एक पड़ाव है कि जहां आपको कोई प्राथमिक उपाधि प्राप्त होती है, उसके बाद आपकी मंजिल शुरू होती है। कार्यक्रम में ग्रुप के सीईडी गौरव तिवारी ने कहा कि दीक्षांत समारोह एक विशेष दिवस होता है जिसमें छात्रों को उनके परिश्रम का परिणाम मिलता है। गौरव तिवारी ने सभी छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं और बधाई दी और डेंटल फील्ड में अच्छा कार्य करने की नसीहत भी दी। इस दौरान मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वीसी अरुण कुमार पांडे ने कहा कि डेंटल में कॉलेज के छात्रों ने अच्छा कार्य किया है। अरुण पांडे ने सभी छात्रों के भविष्य के बेहतर होने की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विषय विशेषज्ञ, फैकल्टी मेंबर्स, छात्र और उनके परिजन मौजूद रहे। आज हमारा सातवां स्नातक एवं दूसरा स्नातकोत्तर व्यवस्था जिसको कॉन्वोकेशन भी कहते हैं और ये हमारे लिए सम्मान की और गर्व का विषय है कि सम्माननीय राज्यपाल श्री लालजी टंडन साहब ने हमारे स्टेट के उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो मैडम ने हमारा न्योता स्वीकार किया और आज बच्चों का उत्साहवर्धन करने उनको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। 60 बच्चों ने स्नातक की उपाधि ली और करीब 11 बच्चों को स्नातकोत्तर की उपाधियाँ आज प्राप्त हुई सम्माननीय अतिथियों के द्वारा और हम इसी उम्मीद के साथ उनको विदा करते हैं कि वो आगे चलकर समाज में अपना, अपने परिवार का, अपने संस्थान का और देश का नाम रोशन करेंगे और अच्छे चिकित्सक बनकर उभरेंगे। आज का दिन बहुत विशेष दिन है क्योंकि मानसरोवर डेंटल कॉलेज का दीक्षांत समारोह आज हो रहा है और इसमें जो भी छात्र छात्राओं ने BDS और MDS की डिग्री ली है उनको उपाधि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिया जा रहा है और ये सेवेंथ ग्रेजुएशन और सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएशन डे है और ये खास तौर से छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष दिन है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।